हाय फ्रेंड, आज हम देखते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से एक नए लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम देखते हैं, ये HP का एक मशीन है जो है, इसका मॉडल नंबर HP 50 AY 542 TU। इसमें अब हम स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। हम यहाँ से पावर बटन को प्रेस कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे लैपटॉप ऑन होता है, बट लगभग ठीक ही है। प्रॉब्लम है क्या इसमें? स्टार्टिंग विंडोज, ये तो सही है लग रहा है। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है इसका, लग रहा है स्क्रीन में प्रॉब्लम है। ओपन होने का पूरा इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है, स्क्रीन में कुछ दागी टेप से आ रहा है। इसमें लग रहा है स्क्रीन से प्रॉब्लम हो सकता है, या केबल से हो सकता है, या बोर्ड से भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम देखेंगे, स्टेप बाय या केबल में प्रॉब्लम है। तो आगे हम एक एक करके देखते हैं, हिला डुला के कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तो लगभग ठीक ही दिख रहा है स्क्रीन। आगे हम ओपन करने के बाद देखते हैं अब यहाँ पर स्क्रीन में ज़्यादा ही कुछ खराबी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रीन को ही चेंज करके देखना होगा। फ्रेश स्क्रीन इसमें लगा के देखेंगे, या न्यू स्क्रीन जो भी मेरे पास है, जो स्क्रीन लगा हुआ है ये सेम स्क्रीन हमको लगाना होगा, तो ही इससे क्लियर हो जाएगा स्क्रीन खराब है ऐसा ही है। चलिए इस लैपटॉप को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको शट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। बोले अब इसको शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की मेरा तो Alt F4 है, तो Alt F4 से इसका प्रेस करके शट डाउन करेंगे। ये आ गया डायलॉग बॉक्स शट डाउन का, आप यहाँ इंटर करेंगे। आप इंटर करके ये मेरा शट डाउन हो रहा है। शट डाउन का होने का इंतज़ार थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम बैटरी रिमूव करेंगे। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले बैटरी रिमूव करके किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार से और दिक्कत ना आ सके, या शॉर्ट सर्किट कुछ बोर्ड पे इफेक्ट ना हो सके, इसलिए बैटरी हम रिमूव कर देते हैं। बैटरी रिमूव करके सामने रख दिए। अब हम फिर से इस मॉडल पे, ये खासियत के ऊपर से ही मेरा स्क्रीन निकल जाता है। बाकी और भी लैपटॉप होते हैं जो स्क्रीन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको पूरा लैपटॉप ओपन करना पड़ता है, लेकिन ये मॉडल में ऊपर से ही स्क्रीन निकल जा सकता है। देखिए ये पैनल है, पैनल को हम कवर निकालेंगे पूरा। हाँ, ये पैनल निकल गया है। पैनल को अभी हम थोड़ा साइड रखते हैं, उसके बाद कोई टूलकिट, अच्छे टूलकिट के द्वारा एक अच्छे तरीके से स्क्रीन का स्क्रू निकालेंगे। यहाँ पे सारा 4 स्क्रू दिया हुआ है, चारों स्क्रू को निकालेंगे। अच्छे से हम 4 स्क्रू निकाल लेंगे, उसके बाद स्क्रीन रिमूव करेंगे। हल्के हाथों से पकड़ के, उसके बाद ये मेरा स्क्रीन का केबल दिया हुआ है, इसको आराम से धीरे 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 निकाल देंगे। ये रह गया केबल और ये रह गया स्क्रीन जो ख़राब दिख रहा है। इसको फिलहाल अभी हम साइड रखते हैं और हम एक नया स्क्रीन लगा के टेस्ट कर लेते हैं, ताकि उस स्क्रीन में सेम अगर आता है
तो कुछ अन्य प्रॉब्लम हम देख सकेंगे कि और भी कोई प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए हम नया स्क्रीन लगाते हैं। ये रह गया मेरा न्यू स्क्रीन। ये स्क्रीन को हम लगा के टेस्ट कर लेंगे। अगर प्राइस की बात करें तो ये स्क्रीन कीमत अभी मार्केट प्राइस 4,500 से 5,000 रुपये चल रहा है। ये अगर बोला जाता है तो एलईडी पे स्क्रीन है, 30 पिन एलईडी स्क्रीन है। 4,500 से 5,000 रुपये मार्केट में मिल जाता है ओपे। तो अभी फिलहाल हम इसको लगा लेते हैं। लगाते हैं, जैसे हम रिमूव किए हैं स्क्रीन को उसी प्रकार से हम स्क्रीन को सेम कंडीशन पे इसको लगाएंगे। देखिए हम स्क्रीन को अच्छे तरीके से फिट कर लिए हैं। और यहाँ पे अब स्क्रीन को यहाँ पे दिखा दो थोड़ा सा सामने पे किस तरह लगता है। ये मेरा लग गया है, इसको अच्छे तरीके से लगा लेना, नहीं तो केबल जलने का डर भी रह सकता है। और इसके लिए हम कुछ अच्छे टेप से या कोई वाइट टेप से इसको चिपका देंगे ताकि स्क्रीन हिले, स्क्रीन और केबल एक दूसरे से बने रहे। यहाँ हम अच्छे तरीके से टेप का प्रयोग कर लिए हैं, पेपर टेप का। इसको अभी फिलहाल हम साइड रखते हैं और हम स्क्रीन वापस लगा देते हैं। ये वापस हम लगा दिए हैं। स्क्रू अभी हम टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको चेक करना, हो सकता है कि केबल से मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए स्क्रीन को अभी हम 4 स्क्रू दिया, चारों जैसे निकालें वैसे। फिर अगर सही होता है तो 4 स्क्रू वापस लगाएंगे, नहीं तो फिर आपका केबल देखना होगा। तो फिलहाल अभी हम चेक कर लेते हैं। जहाँ तक चांस है कि स्क्रीन से ही प्रॉब्लम है, 90% है कि आपका स्क्रीन का है, 10% के केबल से हो सकता है। फिलहाल फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। इसका हम ओपन करते हैं, इससे बैटरी फिर वापस हम लगा लेते हैं चेक करने के लिए। अगर एडाप्टर अभी आपके पास रहता तो एडाप्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एडाप्टर नहीं है तो अभी हम वापस बैटरी ही लगा लिए। जब बैटरी लगा लिए तब हम ओपन करेंगे स्क्रीन। अब हम लैपटॉप को स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी है। लगभग ठीक लग रहा है कि स्क्रीन मेरा ठीक हो चुका है। फिर भी हम एक बार हिला डुला के देख लेंगे कि स्क्रीन में ना होकर के केबल से तो ना निकले। ठीक है, अभी हम फिर भी एक बार हिला डुला के देख लेते हैं दबाव के कि केबल से कुछ प्रॉब्लम है या स्क्रीन से ही था। चलिए ठीक है, अभी तक कंफर्म हो गया कि मेरा स्क्रीन से प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी हम सारा कुछ भी फाइल खोल के देखेंगे तो सारा फाइल खुलेगा मेरा। ए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी कुछ अगला डाटा रखा हुआ है यहाँ से डाटा ओपन हो सक करके चेक भी कर सकता है स्क्रीन प्रॉब्लम में। यहाँ से आपका ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा स्क्रीन प्रॉब्लम है। अब वापस फिर हम चारों स्क्रू जैसे खोले हैं उस तरीका से लगाएंगे, फिट करेंगे। ठीक है, वापस फिर से हम स्क्रू लगाएंगे। अच्छे तरीके से हम दूसरे स्क्रू को लेंगे। यहाँ पे ये स्क्रू बड़ा लग रहा है इसलिए मैं ले लिया है। ये दूसरा स्क्रू था इसके लिए ये अच्छा लग गया। ऊपर मैं स्क्रू चलेगा स्क्रीन का। स्क्रीन में पेपर स्क्रीन 30 पिन है, 4 स्क्रू ऑलरेडी दिया हुआ था, 4 स्क्रू के अलावा 5 स्क्रू नहीं देता है। तो इन 4 स्क्रू को हम लोग अच्छे तरीके से पैक करेंगे। हम लोग चेक कर लेते हैं स्क्रू की
बढ़िया तरीके से टाइट किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं स्क्रीन बढ़िया तरीके से टाइट कर रही है। अब हम इसके फाइनल जो रिमूव किए हैं निकाले हैं उसको वापस फिर हम इसको लगाएंगे। इसके अलावा किसी स्क्रूप को निकाले भी नहीं थे तो हम लगा सकते हैं इस पर स्क्रूप, सारा स्क्रूप मेरा लग गया है। और देखिए देखिए कितना अच्छे तरीका से स्क्रीन लग गया है। अब वापस फिर हम कुछ चेक करके भी देख लेते हैं कि मेरा स्क्रीन पे कुछ और प्रॉब्लम तो दिख तो नहीं रहा। ये मेरा रह गया न्यू स्क्रीन, ये रह गया ओल्ड स्क्रीन जिसमें मेरा लाइन करिस मतलब कर्सर टाइप से आ रहा था, कुछ ब्लर टाइप से बन जा रहा था। तो ये स्क्रीन मेरा ख़राब हो गया है। अब ये स्क्रीन नया लग गया है, अब नया लग गया अब इसमें ऑलरेडी कस्टमर चलाएगा, अब जैसे चलाना होगा वैसे यूज करेगा। इसमें स्क्रीन में 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है, अब 1 ईयर के अगर बीच में कुछ होता है तो स्क्रीन फिर चेंज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब से अब तो लैपटॉप तो रेडी हो चुका है। अब फिर से एक नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे पता जानना है तो बीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लैपटॉप सर्विस सेंटर सिंह मार्केट बिजुलिया मैन रोड रामगढ़ झारखंड।